नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें NMCH पटना की है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। ये पूरे कैंपस को आप ध्यान से देखिए, ये नीचे में ये जो दिख रहा है ये तालाब नहीं है बल्कि ये NMCH का कैंपस है और इतनी पानी जमा हो गई कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप देखेंगे कि इस वार्ड में मरीज किस तरह से रह रहे हैं और वार्ड की भी स्थिति इतनी बुरी है। सोचने वाली बात है कि पटना जैसी जगह और वो भी राजधानी, जहाँ पे एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है और दिन पर दिन विकास की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है, और इस तरह के ये हालात जो दिख रही है, क्या ये हालात वाकई में विकास की पहलू और पैमाने पर खरा उतर रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं इसमें मछलियाँ तैर रही हैं। ये टोटली एक तालाब में तब्दील हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज पानी के ऊपर, बेड के ऊपर अपनी गुजारा कर रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार और सुशासन बाबू का यही विकास रफ्तार है कि पटना जैसे राजधानी में इतने रेपुटेड हॉस्पिटल का ये स्थिति बना हुआ है? ये तो सिर्फ मामूली बात है। आप रास्ते को देख लें, किस तरह से रास्ते भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और तो और यहाँ की जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है। हर तरह की समस्याएं यहाँ पे पलने लगी है। इन जल जमाव से दिनचर्या के जो रोज के दिनचर्या का कार्य है उसमें बाधा पहुंच रही है। लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। सवाल ये है कि जब ये हर बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो फिर सरकार इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर रही? जब सभी पता है, अधिकारियों को पता है, सरकार को पता है कि इस तरह की सिचुएशन हर बार बरसात में बन जाती है, तो उन्हें इस पे कदम उठाने की ज़रूरत थी।